हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट टेक में। एक गाड़ी है हमारे पास, कस्टमर का कहना है कि गाड़ी में यूरिया नहीं खा रही है और वो दो जगह पे लैपटॉप लगाया है, लगवा चुका है और उसका यूरिया फिल्टर भी चेंज हुआ है, कस्टमर का कहना है। ठीक है दोस्तों, हमने सॉफ्टवेयर ओपन रख करके रखा है, अपना सॉफ्टवेयर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या फॉल कोड आया है। अपना सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फॉल कोड आया है 4487, 4489 और 14672 और 0691 आया टर्बो कंप्रेसर इंटेक टेम्परेचर सर्किट का, बराबर काउंट हुआ दोस्तों। और 0772 आया है, चार बार काउंट हुआ टर्बो कंप्रेसर इंटेक प्रेशर का। गाड़ी में दोस्तों चार पांच फाल कोड एक्टिव दोस्तों और बाकी चार फाल कोड इनएक्टिव में आए हैं। तो नीचे आया दोस्तों 0741, 13 बार काउंट हुआ है फाल कोड इनएक्टिव में दोस्तों, टर्बो चार्जर का भी दोस्तों। दोस्तों सिंपली हमको अपने जो ज़्यादा बार काउंट हुआ दोस्तों पहले उसी पे काम करेंगे, 6591 और 7742 400 काम करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों इंटेक टर्बो कंप्रेसर का है, सेंसर है, ये टर्बो के पास वाला जो पाइप रहता है दोस्तों उसके पास लगा रहता है। तो इसका जो है सॉकेट ढीला था, इसका एक वायर भी कट चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों इसका वायर कटा हुआ है। और इसको भी हम खोल के बाहर लेंगे और देखेंगे अच्छी तरह से। बाहर लो बाहर, ये देख सकते दोस्तों हमने बाहर लिया है। इसका एक पिन का वायर दोस्तों टूट गया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, लगता है पहले भी काम हुआ है, टेपिंग वेपिंग मारा हुआ है। ये देख सकते दोस्तों चार पिन लगता है, चार बार है। ये रहा दोस्तों टर्बो चार्जर इंटक कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर है। देख सकते दोस्तों ये सेंसर है। तो दोस्तों हम इसका पिन बाहर, सॉकेट का जो पिन है से ही टूट गया वायर, अभी उसको पिन को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों और पिन में वायर जो है सोल्डरिंग करेंगे। ये देख सकते दोस्तों हमने पीला वाला जो कैप रहता है उसको बाहर निकालेंगे पिन की सहायता से, साइड साइड में दो लॉक रहता है उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर ये पीला कैप जो है बाहर आ जाता है। उसके बाद हमने वो लॉक दबा के ऊपर से पिन निकाल लिया दोस्तों, अभी सिंपली हम ये पिन में सोल्डरिंग जो है करके वायर चिपका देंगे। ये देख सकते दोस्तों सोल्डर मशीन जो हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम पेस्ट लगा के इसको सोल्डर करेंगे। दोस्तों ऐसा कोई सा पिन टूट जाए तो आप भी उसको पिन को निकाल के रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी का सॉकेट जो अलग अलग रहता है वो अपने पास अवेलेबल नहीं रहता। इसलिए दोस्तों गाड़ी का पिन जो है टूट जाए तो आप भी इसे निकाल के रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग रिपेयर कर रहे हैं।
ये जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, पेस्ट अच्छे से लगाओ ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। अच्छे से सोल्डरिंग करो, अच्छे से उजड़ना ना चाहिए दोबारा। उसको पिला से दबाओ, पिला से हाँ सीधा करो उसको। दोस्तों सोल्डरिंग हो चुका हमारा, अभी वो पिन से लॉक कर दे रहे हैं ताकि वो बाहर ना निकले। ये देख सकते हैं दोस्तों पिन में वायर हमने सोल्डरिंग अच्छे तरह से कर दिया है, ऐसे आप भी सोल्डरिंग कर सकते हो। अभी जितना हमको वायर चाहिए उसके हिसाब से हम काट लेंगे वायर और अभी सॉकेट में लगाएँगे। ये देख सकते दोस्तों ऊपर से पहले क्या करेंगे, वो लॉक को थोड़ा फैला देंगे ताकि नीचे से लॉक अच्छी तरह से बैठ जाए। थोड़ा लॉक फैला लेना दोस्तों ताकि लॉक बैठ जाए अच्छे से। अभी नीचे से लगाएंगे, अच्छे तरह से बैठाएंगे और लॉक बैठ जाएगा। ये देख सकते दोस्तों हमने पिन को अच्छी तरह से बैठा लिया है। ये देख सकते दोस्तों लॉक बैठ चुका अच्छी तरह से। अभी हम इसको काट के टेपिंग करेंगे। चलो टेप मारो, जल्दी जल्दी टेप मारो। पूरा उसको ऊपर से भी पूरा टेप मार दो, एक बार दिखना नहीं चाहिए बाहर ताकि घिसने और कटने का डर ना रहे दोबारा। ये पीला कैप दोस्तों लगा लेंगे वैसे ही ताकि वो उसमें बराबर बैठ जाए सॉकेट में बराबर। ये दोस्तों हमने रिपेयर कर लिया है अच्छे से, एक बार ऊपर से भी टेप मार देंगे। दोस्तों एक बार इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हमारा सही है, प्रॉपर सही है कि नहीं। देख सकते हैं एक पॉइंट में 5 वोल्ट आ रहा, 2 पॉइंट में 5 वोल्ट आ रहा दोस्तों। एक सिग्नल का रहता है और एक ग्राउंड रहता है दोस्तों। सिग्नल में हमारा जो है 5 वोल्ट, एक इनपुट सिग्नल में 5 वोल्ट आता है, आउटपुट वाले सिग्नल में नहीं मिलता और एक ग्राउंड है दोस्तों। तो दोस्तों हम फिट कर लेते हैं इसको, सेंसर लगा दिए हैं और इसको सिंपली हम टाइट करेंगे। उसके बाद इसका दोस्तों हम डायग्राम दे देते हैं। डायग्राम ले लो, जिसको इसको डायग्राम चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम ले सकता है। ये देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम है, टर्बो चार्जर कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर। एक प्रेशर सिग्नल का वोल्टेज है, दूसरा टेम्परेचर सिग्नल का वोल्टेज है, एक 5 वोल्टेज सप्लाई है और एक ग्राउंड है। अभी दोस्तों हम चेक करेंगे हमारा फाल्को इनएक्टिव हुआ कि नहीं।
ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फालकोड इनएक्टिव में जा चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सिर्फ 44 87 44 89 और 14672 फालकोड एक्टिव, 3 फालकोड, और बाकी जो फालकोड है दोस्तों 691 और 742 ये इनएक्टिव में जा चुका है दोस्तों। दोस्तों अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे, देखते हैं रिफ्रेश करके कि वो कोई फालकोड इनएक्टिव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करो ड्राइवर साहब, रिफ्रेश कर रहे हैं दोस्तों। अभी फालकोड दो, बाकी दो फालकोड एक्टिव है दोस्तों, हम इसको अभी सिंपली डिलीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, बाकी फालकोड चला गया। ये है दोस्तों, ये फालकोड डिलीट करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपली क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे लमसम एक मिनट के लिए, और उसके बाद ये फालकोड रिफ्रेश करके रिफ्रेश करेंगे तो फालकोड इनएक्टिव हो जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने रिफ्रेश किया, ये फालकोड इनएक्टिव हो गया। अभी सिंपली हम गाड़ी बंद करेंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। ये देख सकते दोस्तों, हमने वो भी फालकोड डिलीट कर दिया है। अभी दोस्तों गाड़ी चालू करके रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं और दूसरा कोई फालकोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा रेस करो ड्राइवर साहब, थोड़ा रेस करो तो गाड़ी। ये देख सकते हैं दोस्तों, फालकोड तो अभी नहीं आ रहा है। अभी हम पैरामीटर में चलते हैं, डाटा मॉनिटर और लॉगर में चलते हैं, देखते हैं हमारा एयर कंप्रेसर चार्जर टेम्परेचर प्रेशर सेंसर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। थोड़ा हम दोस्तों गाड़ी जो है 5 मिनट तक लमसम रेस करके रखेंगे, चेक करेंगे कि टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सिग्नल वोल्टेज और टर्बो चार्जर कंप्रेसर इंटेक प्रेशर -9.3 kVA का आ रहा है, और इंटेक टेम्परेचर सेंसर दोस्तों 28.1 सेल्सियस आ रहा है, जो कि सही है मिनिमम। दोस्तों अभी हम इस गाड़ी का टायल मारने जा रहे हैं, देखते हैं कोई रही में फालकोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके बताते हैं। देखते हैं दोस्तों, टर्बो चार्जर का स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।